हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो वैसे आप बात करते हैं आज के टॉपिक पे, न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग, इस प्रोविंस के बारे में, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, लाइफ स्टाइल कैसा है, लोग कैसे, कल्चर कैसा, रेंट अकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, PR का क्या प्रोसेस है, और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी का क्या सीन है। अगर आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो इज़ इट रियली वर्थ इट, अगर आप LMI रिलेटेड या वर्क परमिट पे भी आते हो तो ये बिल्कुल वर्थ इट है या नहीं है, और PR आपको कितना जल्दी और कितने आराम से मिल पाएगा, तो सभी चीज़ों के रिगार्डिंग बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करना, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे और शुरुआत करते हैं रेंट एंड अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो अगर मैं रेंट के रिगार्डिंग बात करूँ तो जो पहले, एक्चुअली एक चीज़ मैं को कहना चाहूँगा, न्यू ब्रंसविक पहले बहुत सस्ता था, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती थी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें महंगी हो गई है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, और रिफ्यूजी भी काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है, जल्दी है, आपको एक साल के बाद ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते हो या अगर वर्क परमिट पे LMI रिलेटेड जॉब पे भी आते हो, आप एक साल के बाद आप PR के लिए PNP में फाइल लगा सकते हो। तो इसीलिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो रेंट अकोमोडेशन ऑब्वियसली बात है महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ है आपको उसी में रहना पड़ेगा, और जब लोग ज़्यादा आते हैं और जब डिमांड सप्लाई का ऊपर नीचे होता है तो ऑब्वियसली बात है जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो सेम गोज़ टू रेंट एंड अकोमोडेशन की रिगार्डिंग भी, चीज़ें यहाँ पे महंगी हो गई है। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो, शेयरिंग रूम भी लेते हो, तो आपको पहले पड़ता था $300-$250 की में, और अभी का जो रेट है वो आपको पड़ता है $350-$550 के बीच में। इट्स ऑल डिपेंड कि घर कैसा बना हुआ है, टाउन हाउस कैसा है, आपको प्राइवेट रूम चाहिए या कोई शेयरिंग रूम चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अभी करंट सिनेरियो में अगर आप प्राइवेट रूम भी लेते हो तो आपको वो पड़ता है $400-$550 के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, बिजली पानी का पे आपको अलग से करना पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा $70-$100 के बीच में। अगर मैं आपको 1 BHK अपार्टमेंट के रिगार्डिंग बताऊँ तो वो आपको पड़ेगा $800-$1000 के बीच में, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आपको 2 BHK के रिगार्डिंग बताऊँ तो वो आपको पड़ेगा $1000-$1300 या $1400 के बीच में। इट्स ऑल डिपेंड कि अपार्टमेंट कैसे है, कॉन्डो कैसे है, कितनी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जिम है या नहीं है, अगर जिम है तो आपको महंगा पड़ेगा, स्पोर्ट्स रूम है या नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जाती है, स्विमिंग पूल बना हुआ है अपार्टमेंट्स के अंदर तो अच्छी बात है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। बाकी अभी के हिसाब से रेंट अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, एंड इट्स अ ट्रुथ एंड इट्स अ रियलिटी। दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ अभी के मुकाबले बहुत कम है, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो। देखो न्यू ब्रंसविक में 8 मेजर सिटीज़ है और टोटल 5 टॉप क्लास सिटीज़ है, और इसमें भी 3 मेजर सिटीज़ है जहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है और फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती है। एक है सेंट जॉन, मॉन्गटन, फ्रेडरिकटन। सेंट जॉन सबसे ओल्डेस्ट सिटी है पूरे न्यू ब्रंसविक में, मॉन्गटन एंड जो मॉन्गटन है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है आपको मैं कह सकता हूँ, या सॉरी सेंट जॉन इज़ द बिगेस्ट सिटी, मॉन्गटन इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, एंड फ्रेडरिकटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यू ब्रंसविक प्रोविंस। तो यहाँ पे आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो आपको मेनली इधर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलता है वो भी आपको सिर्फ पर्टिकुलर इन 3-4 सिटीज़ के अंदर ही मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है जो अपने पंचुअल टाइम पे आती है, लेकिन आधा घंटा, 40 मिनट, 25 मिनट्स के दरमियान में ही आती है, मतलब गैप में ही आती है। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें पंचुअल है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है देन इट इज़ गुड फॉर यू, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी या किसी सिटी में आपको कहीं और भी जाना हो न्यू ब्रंसविक के अंदर भी, तो आप आराम से जा पाओगे। मैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी में फिर से आता हूँ, तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी और जो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो अभी इंडस्ट्रीज बहुत कम है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको 2-3 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो आपको रिटेल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, इन जगह में ही मिलेगी, और
सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगी रिटेल में, फूड चेन इंडस्ट्री में मिलेगी, चाहे लाइक टिम हॉर्टन हो गया या सबवे डोमिनोज हो गया, या रिटेल में आपको मिल जाएगी लाइक डॉलोरामा में, कॉस्को में, वॉलमार्ट में, इन जैसे रिटेल शॉप्स में, इन जैसे फैक्ट्रीज के अंदर ही मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी में आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने खाली भी बैठना पड़े, बिकॉज ऑप्शंस जो है जॉब की वो काफ़ी कम है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। अब बात मैं करता हूँ स्किल्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, स्किल्स लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्लम्बर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के स्किल्स हो गए तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो गए। अगर आपको फॉर्कलिफ्ट का लाइसेंस है आपके पास तो भी आपके ऑप्शन ज़्यादा हो गए, आप किसी रिटेल स्टोर पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है देन इट इज़ गुड फॉर यू, आपको लॉजिस्टिक कंपनी में वर्क मिल सकता है, आपको डोमिनोज में डिलीवरी का वर्क मिल सकता है आराम से, इसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो $19 से $22 के बीच में। मतलब ये मान लीजिए अगर आपके पास आप मल्टी टैलेंटेड है तो आपके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर लोगों के बीच में। तो अगर कंपटीशन कम होगा आपके पास आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, विंटर्स बड़ी हार्श होती है और विंटर में आपको जॉब मिलना थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपका जो इंटेक है वो विंटर में है तो आपको डिफ़िकल्टीज होगी टू फाइंड अ रेंट एंड अकोमोडेशन एंड इवन टू फाइंड अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी। अगर आप LMI पे आ रहे हैं तो यार देखो, आप अर्न करोगे पैसा तो आपको रेंट अकोमोडेशन ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पहले के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको दिक्कतें आएगी। ये चीज़ें आप अपने माइंड में पहले ही रखना। तो यार अब बात करते हैं नेचर के रिगार्डिंग, एंड इफ़ यू लव हाइकिंग, इफ़ यू लव कैंपिंग और फिशिंग देन इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। और अगर आपको रहना अकेला पसंद है, आपको नेचर में रहना पसंद है देन इट्स अ गुड प्लेस फॉर यू। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को सोचती है कि हमें यहाँ पे हम फील सेफ कहाँ पे करेंगे, हम कनाडा में ऐसे कौन से प्रोविंस में जाए जहाँ पे हम फील सेफ करें। तो यहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी कम है, सेफ प्लेस टू लिव। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वेदर बड़ा हार्श होता है यहाँ पे, ठंड काफ़ी पड़ती है और एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, विंड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आराम से इसका टेम्परेचर -20 -35 के बीच में जाता है और एवरेज टेम्परेचर आपका -30 डिग्री तो होगा ही होगा। अगर आपको विंटर नहीं पसंद है तो फिर इट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि कनाडा में ओवरऑल 13 प्रोविंस है, मतलब 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है, ठंड तो हर जगह ही है एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया। अगर आपको विंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर आप विंटर में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो आप 13 में से 12 ऑप्शन तो आप छोड़ ही दो, तो फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक ही प्रोविंस है, वो है ब्रिटिश कोलंबिया, इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी अगर मैं आपको टैक्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, इनकम पे भी टैक्स है अराउंड 15 से 25% के बीच में आपका टैक्स लगता है। आप किस लैब में आते हो, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अर्न करते हो। अगर मैं आपको कॉमोडिटीज़ के बारे में बताऊँ या सर्विस के रिगार्डिंग कहूँ कि आप कुछ खरीदते हो, तो ये आपको पता ही है कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होते हैं GST और एक होते हैं PST। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे ही कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो तो फिक्स्ड है हर प्रोविंस में। आप किसी भी प्रोविंस में जाओगे आपको 5% ही पे करना पड़ेगा। दूसरा टैक्स होता है PST मतलब प्रोविंशियल टैक्स। प्रोविंशियल टैक्स हर एक प्रोविंस का अपना अपना होता है, प्रोविंस जैसे मान लीजिए इंडिया में स्टेट्स है वैसे ही कनाडा में उसे प्रोविंस कहा जाता है, तो हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस और नूनावत इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे आपको 0% टैक्स लगता है, बाकी हर प्रोविंस में अपना अपना टैक्स होता है, कहीं 10% कभी 13%, ब्रिटिश कोलंबिया में 13% है और ओंटारियो में 11% है, न्यू ब्रंसविक में 10% टैक्स लगता है। तो आप ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई फ़ोन लिया $1,000 का फॉर एग्जांपल, तो 5% आपका GST जाएगा और 10% आपका PST जाएगा, तो आपको ओवरऑल आपको टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो पे करना होगा 15%। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि यहाँ पे टैक्स बहुत कटता है इन टर्म्स ऑफ इनकम में भी और टू बाय एनी काइंड ऑफ कॉमोडिटी और एनी काइंड ऑफ सर्विस में भी। तो अब बात करता हूँ PR के रिगार्डिंग। अटलांटिक प्रोविंस में PR मिलना सबसे ईजीएस्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, जितनी भी प्रोविंस है टेरिटरीज है कनाडा में, और न्यू ब्रंसविक में भी PR मिलना बहुत इजी है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपने कोई भी कोर्स किया और एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, चाहे कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, कोई भी डिग्री वाला कोर्स हो, कुछ भी कोर्स हो,
अगर आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप पीआर के लिए आप फाइल लगाइए पीएनपी में। एंड आपको मैं एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, आप अपनी जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में पीआर नहीं आ जाता। अभी पीआर मिलना ईजी है लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने पीआर के लिए फाइल लगा रखी है, और इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीज़ा ऑफिसर आल्सो। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एटलीस्ट हमारे यहाँ पे न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क ज़रूर करो। 1 ईयर का वर्क करोगे तो आपकी जो फाइल होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपने सिर्फ 6 मंथ्स का वर्क किया होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 6 मंथ्स के बाद एलिजिबल तो हो जाते हो, पीआर लगा देना, लेकिन तब तक जॉब मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में पीआर नहीं आ जाता। आफ्टर गेटिंग अ पीआर उसके बाद आप प्रोविंस को भी छोड़ना चाहते हो प्रोविंस को भी छोड़ देना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इवन कनाडा को भी छोड़ना चाहते हो कनाडा को भी छोड़ देना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जस्ट जोकिंग, बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड। बाकी लाइफ बहुत स्लो है, ये मैं सोचना कि लाइफ बहुत लाइक फास्ट पेस की तरह होगी जैसे टोरंटो में है, वैंकूवर में, मॉन्ट्रियल में, एडमिंटन, कैलगरी में। लाइफ बहुत स्लो है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हो सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस, यहाँ पे घर के जो प्राइस है वो काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है, तो आप अपना घर आराम से खरीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मान लो कि जो आपको टोरंटो में 1 BHK आपको जो प्राइस 1 BHK के लिए पे करना पड़ेगा टोरंटो में, उतने सेम प्राइस में आपको 3 BHK या 4 BHK आपको घर मिल जाएगा न्यू ब्रंसविक प्रोविंस के अंदर। तो इतना डिफरेंस है और आपको अच्छी फैसिलिटी सब कुछ मिलेगी। सो यार नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू, रहना बहुत सस्ता है लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है। ग्रॉसरीज सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो, शेयरिंग रूम लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर आप 1 BHK लेते हो, 2 BHK लेते हो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो। दूसरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको दिक्कतें आएगी। तो उसी प्रोविंस, उसी सिटी को चूज़ करना जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, लाइक सेंट जॉन, मॉन्गटन या फ्रेडरिकटन। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की दिक्कतें हैं, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो आपको इश्यूज़ आएगी, चाहे आप रिफ्यूजी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 महीने 3 महीने खाली बैठना पड़े, आपको जॉब ना मिले। तो एक ही चीज़ का होगा, जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतने ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी और उतना ज़्यादा बेटर आप अर्न कर पाओगे। तो लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्लम्बर, मैकेनिक, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, इट्स गुड फॉर यू, ज़्यादा अर्न कर पाओगे, आपकी लाइफ चिल रहेगी, आपकी लाइफ रिलैक्स रहेगी और उतना आराम से आप रेंट अकोमोडेशन के लिए पैसे भी पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज के लिए भी पे कर पाओगे और इवन आप नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे कर पाओगे। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। 1 ईयर का कोर्स करो, ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। 6 मंथ्स का के पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा जो आपको मैंने पहले कहा था, तब तक जॉब मत छोड़ना जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता। जैसे ही पीआर मिल जाए, अगर आपको यहीं पे कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करो, वरना आपको कहीं और मूव ऑन होना, किसी और प्रोविंस में, किसी और सिटी में मूव ऑन हो जाओ। सिटी बहुत सस्ती है, मतलब यहाँ पे रहना और घर खरीदना बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो बहुत कम लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, कम्युनिटी आपस बहुत हेल्पफुल है, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल है, नेचर सबका अच्छा है और सब बढ़िया है ओवरऑल। बाकी वेदर आपको, जैसे मैंने पहले कहा, हार्श वेदर है, हार्श वेदर पूरे कनाडा में ही है एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया। तो वेदर तो आपको हर जगह सेम ही मिलेगा, 20 30 25 डिग्री के टेम्परेचर आपको मिलेगा एवरेज, ये आपको हर जगह ही मिलता है एक्सेप्ट मैनिटोबा, अल्बर्टा, सस्कैचवान, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया में समर्स और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। अगर आपको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ब्रिटिश कोलंबिया जाओ, लेकिन वहाँ पे पीआर मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन उतना ही सब कुछ महंगा भी है, चाहे वो रेंट अकोमोडेशन हो, और पीआर तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जो कि सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पीआर लो और उसके बाद कहीं और मूव ऑन होना है हो जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़ा लिमिटेड सा है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपके पास अपनी गाड़ी है देन इट्स गुड फॉर यू, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी आराम से कहीं ना कहीं जा पाओगे, किसी और सिटी भी जाना हो तो आराम से जा पाओगे। तो यही चीज़ है, बाकी नेचर लविंग हो, वाइल्ड लाइफ पसंद है, हंटिंग पसंद है, कैंपिंग पसंद है, फिशिंग करना पसंद है, तो इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहीं से आके सारी चीज़ें,
इधर उधर सप्लाई होती है बाकी प्रोविंस में, कनाडा में। यहाँ पे फिशिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो फिशिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्किल बेस्ड कोई वर्क करना या कोई पढ़ाई करना चाहते हो, सो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी कम है लेकिन इस तरह की जॉब्स आपको आराम से मिल जाएगी। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास इस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो न्यू ब्रंसविक इज़ फॉर यू। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।